रहीम, मैं मुफ्ती वकीद रहमान, MPA, ऑडिटेड चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट कोली, पालस कोहिस्तान। मैं मुरखब बारा को एक अजीम वाकया, जो डीओ कोले पालस कोहिस्तान नवाब अली साहब का कत्ल का वाकया है, इस पर दिली गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये कत्ल किसी शांगला या किसी चकीसर वाले का नहीं हुआ, ये कत्ल पालस का कत्ल हुआ है। ये कत्ल मेरे पालस के आवाम का कत्ल हुआ है, मेरे पालस के अफसर का कत्ल हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस कत्ल के तहकीकात कराना, इसके मंतिकी अंजाम तक पहुँचना और फिर मुलजमान को केफर किरदार तक पहुँचाना मेरा अखलाकी और अलाकाई और गैरती तकाजा है। इसमें इंशाअल्लाह ताला मैं किसी कस्म की कोताही नहीं करूँगा। अलावा इसके मैं लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी तमाम हमदर्दियाँ लवाहिकीन के साथ हैं। मकतूल मेरा भाई था, मैंने बड़ी अप्रोच करके अपने ताल्लुक़ की बुनियाद पर इनको यहाँ तैनात कराया था। आज सबसे पहले मुझे अफसोस है कि मैं एक अपने भाई से महरूम हुआ। बाकी रही बात यह कि मैं और मेरे पालस के आवाम आज बड़ी तादाद में जनाजे में शिरकत करना चाहते थे, लेकिन अफसोस है कि मुकामी इंतज़ामिया की इजाज़त न होने की वजह से मैं माजरत ख्वाह हूँ। जहाँ तक इस कत्ल का ताल्लुक है तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम मुकामी इंतज़ामिया, DPO साहब, DC साहब और DIG साहब के साथ रابطے में हैं। ये डिजिटल दौर है, कोई बात छुपी नहीं रह सकती, लिहाजा एक दो दिन में इंशाअल्लाह तमाम तहकीकात पूरी कौम के सामने आएंगी और इसके लिए मैं अपना तन मन धन के बाजी लगाऊंगा। उस वक़्त तक हम आराम से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह, जब तक इस कत्ल का हम सही सुराग न लगाएं और कातिल को केफर किरदार तक न पहुंचाएं। वस्सलाम।